इंसान ने व्हील इन्वेंट किया। और इन क्रेजियों ने उसका ये हल किया। क्रेजी व्हील्स। हेलो गाइस, मैं हूँ क्रेजी व्हील्स और आप देख रहे हैं राघव जियाल। हेलो गाइस, मैं हूँ राघव जियाल और आप देख रहे हैं क्रेजी व्हील्स। अपने टीवी का रिमोट फेंक दीजिए, आप फेंक दीजिए, क्योंकि मेरे पास आ गया है क्रेजी टाउन का रिमोट। और हाँ, ये जो स्टंट्स करते हैं ना, कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये ये एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर बिल्कुल नहीं करते, इन्हें लग जाती हैं चोटें जो आपको भी लग सकती हैं, तो आराम से रहिए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, गड्ढा, ओह माय गॉड, ओह ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द शो, बहुत मजा आने वाला है। क्रेजी व्हील्स के आज के एपिसोड में डर्ट बाइक से नहीं हुई दोस्ती, स्केटबोर्ड भी निकला फिसड्डी, रास्ते की रुकावट को हटाना, एक क्रेजी सुपरमैन का दीवाना और खतरों के खिलाड़ी का डूब जाना। ना चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना इंटरनेट, ना वेयर व्हाई व्हाट एप्स वाले मैसेजेस, ना टेलीफोन, ना टेलीग्राम, इनमें से कहीं से भी आपको वो न्यूज नहीं आएगी जो न्यूज मैं देने वाला हूं। गुड न्यूज, बैड न्यूज, लेट्स गो फॉर इट। ये है गुड न्यूज बैड न्यूज। भाई, गुड न्यूज ये है कि इनकी ऑटोमेटिक कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती है, पर बैड न्यूज यह है कि ये ऑटोमेटिकली दूसरी कार से टकरा जाती है। देखो भाई, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फायदा जिसका आईक्यू इतना लो हो कि हर मोड़ पे टक्कर मारते जाए। गुड न्यूज यह है कि जॉनी लकी ड्रॉ में बाइक जीता है, पर बैड न्यूज यह है कि उसे बाइक चलानी ही नहीं आती। देखो भाई, हाईवे में मिली फ्री की लिफ्ट और कभी कभी मिले फ्री के गिफ्ट, मामला गड़बड़ कर देते हैं। गुड न्यूज यह है कि अंकल लोबो बड़े ही एक्सपेरिमेंटल हैं, मार्केट की हर नई चीज ट्राई करते हैं, जैसे कि ये हवरबोर्ड। पर बैड न्यूज यह है कि अब अंकल लोबो को पहलवान से हड्डी जुड़वानी पड़ेगी। गुड न्यूज ये है कि जैक ने अपनी साइकिल खुद ही असेंबल की है, पर बैड न्यूज ये है कि वो कुछ नट बोल्ट टाइट करना भूल गया था। कार में बैठे लोग इसकी बचकानी हरकत पर हंस रहे हैं, लेकिन गौर कीजिए, खुद बच्चों के खिलौने से खेलते हैं। क्रेजियों को मैंने कितना समझाया, उसके बाद एक्सपर्ट से ट्रेन भी करवाया, बट दे डिड एवरीथिंग रॉन्ग। ये है चैट, शक्ल से ही धुरंधर लग रहा है तू तो। अरे नहीं, ये तो छछुंदर है। ये गया, ये अटका, फिर से अटका, और ये लगा जोर का झटका। सच बताना चैट, तूने पहले ये कभी ट्राई नहीं किया ना? लग ही रहा था तेरी शक्ल देखकर। माना पहली बार था, पर चैट, यू डिड एवरीथिंग रॉन्ग। अब देखिए एटीवी को ट्रक पर कैसे चढ़ाते हैं। पहले सब कुछ अच्छे से चेक कर लें, बढ़िया। फिर सेफ्टी मेजर्स को याद करते हुए आपको कहना है दम लगा के हाई शा और सीधे अंदर। हो, अगर आप ऐसे एटीवी चढ़ाएंगे तो आपको योगा करना होगा, पता है क्यों? ये देखिए, क्योंकि अर्ध चक्र आसन सिर्फ योगा से होगा, पर क्रेजियों, तुमसे कुछ न होगा। एलेक्स जो आज हमें सिखाएगा किड स्कूटर से योगा कैसे करें। देखिए, ऐसे करते हैं शवासन। एलेक्स, स्कूटर से योगा सिखाना बंद करो बेटा। बेटा, यू डिड एवरीथिंग रॉन्ग।
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का माहौल, दंगल वर्सेस सुल्तान का माहौल, शाहरुख वर्सेस सलमान की रिलीज का माहौल, कभी वो उसके आगे कभी ये उसके सामने, ये सारा माहौल कम पड़ जाएगा जब आप हमारा अगला सेक्शन देखें। ओए होए क्या माहौल बनता है। ये है वर्सेस। आज का पहला मुकाबला है नेचर वर्सेस साइक्लिस्ट का टशन। विनर है ठंडा ठंडा पानी। अगला मुकाबला है गाड़ी और सड़क पर चलने वाले के बीच, और हार हुई गाड़ी की। देखो भाई, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ सड़क पर चलने वालों की। अगला मुकाबला है बाइक वर्सेस कार, और इस मुकाबले की विनर है ये वंडर कार। इस एंगल से भी वंडर कार, इस एंगल से भी हर एंगल से ये वंडर कार जीती है, क्योंकि ये मैच फिक्स था, पैसे बहुत मिलेंगे। चलो मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूं। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, क्या दिखता है? एक डांसर, एक एक्टर, एक क्रेजी, या फिर बंदा कोई लेजी। देखते रहो। बस कर पगली, प्यार हो जाएगा। और सुन, तुमसे ना हो पाएगा। मैंने तो अपनी ट्रिक दिखा दी, अब आप इन्हें देखिए। ये है ट्रिक जॉब। क्या बात है, क्रेजी व्हील में माइकल जॉर्डन का जगलर भाई आया है। ओए होए होए होए, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, जरा शक्ल दिखा अपनी। देखिए भाई, इस गंजे को देख, ये कार चलाते चलाते बास्केटबॉल से ट्रिक दिखाता है और बास्केट भी करता है। बेटा बहुत आगे जाएगा, बता रहा हूँ मैं तुझे, तू कार बेच के ट्रेन खरीद ले। नाइस। अब इसे कहते हैं असली ट्रिक। भाई किसी ने क्या खूब कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसने बहुत प्रैक्टिस की, ये नींद में भी ऐसी प्रैक्टिस करता है। एक्चुअली अभी भी नींद में ही है। इस ट्रिक का नाम है हाउ टू लूज योर गर्लफ्रेंड इन 5 seconds। सी, इट्स वेरी इजी। अच्छा तरीका है ब्रेकअप का। गाइस, आजकल मुझे जो भी चीज दिख रही है उसमें घुमाने लग जाता हूं, लेकिन हर घूमती हुई चीज में क्रेजी नहीं छुपा होता, और हर उस चीज में आपको दिमाग लगाने का स्कोप ही नहीं रहता, वो तो रहता है सिर्फ व्हील ऑफ वंडर में। तो घुमाते हैं अपना व्हील ऑफ वंडर। ये क्या है? इसे कहते हैं बॉय। क्या बॉय? व्हील ऑफ वंडर पहली बार घूम चुका है और इस बार आकर रुका है ऑन थिन आइस पर। टोनी दोनों पैर जमीन पर टच करके बाइक चला रहा है, बट आई थिंक बर्फ से इसकी हवा हो गई है टाइट। फ्रीज टोनी, बताइए टोनी आगे क्या करेगा? बर्फ से घर बनाएगा, गोला बनाकर खा जाएगा, या पंख लगा के बर्फ के साथ उड़ जाएगा? देख लेते हैं। और सही जवाब है बाइक चलाते हुए धरती में समा जाएगा, और जब लगेगी ठंड तो पेंगुइन की तरफ बाहर आएगा। देखते हैं क्या आप टोनी अपनी बाइक को जमने से पहले बाहर निकाल पाएगा। शायद नहीं। ब्रेक के बाद क्रेजी व्हील्स में, रेगिस्तान में क्रेजी की टक्कर, बर्फ में फंसा घनचक्कर, और बीच सड़क टोइंग का चक्कर। क्रेजी व्हील्स।
भाई चार अलग अलग ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी चलाना सीख लो, अपनी गाड़ी के आगे पीछे ऊपर नीचे बड़े बड़े एल लगा दो। कुछ फायदा नहीं होगा जब तक आपकी आंखों का, आपके हाथों का और आपके पैरों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यार गाड़ी के पीछे बैठो यार, गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि रोड में और लोग भी तो चलते हैं यार, उनकी सेफ्टी का ख्याल रखो। समझ रहे? देखो हमारे नमूनों को इन फेंडर बेंडर्स में। ये है फेंडर बेंडर्स। गौर से देखिए इस गोल्डन गाड़ी को, बेवजह की रफ्तार पड़ेगी भारी, अब है इसके फेंडर टूटने की बारी। हो गया फेंडर बेंड। इस कार ने मजबूरी में रास्ता बदला, पर पड़ोस की कार को मिला फ्री में झटका। ड्राइव करते हुए एक चीज ध्यान रखो, इंटरसेक्शन पर चारों तरफ देखकर ही क्रॉस करो। शाबाश, वेरी गुड। ये रूल सब नहीं मानते। क्रैश से अगर आपकी गाड़ी हो गई हो बेकार, तो फिर खुले आसमान का नजारा लो यार। ड्राइविंग हमेशा अपनी ही लेन में करनी चाहिए, पर बर्फ आपको भटका सकती है। देखो भाई, बर्फ वाली स्लिपरी रोड और फोकट के करोड़ कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसीलिए अपनी अकल लगाएं, एक्साइटेड ना हो जाएं। भाई टो की भी गाड़ी की हालत बिल्कुल वैसी होती है जैसे मॉल में जाती गर्लफ्रेंड के पीछे बॉयफ्रेंड की जब सेल लगी हो यार। लेकिन गाइस, अपनी टोइंग तुम खुद ही करवाते हो यार। हमारे धुरंधरों को देखो कैसी टोइंग करते हैं, और हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। गाइस मेरे को देखो, अपने भाई को। राघव जल्दी चलो। हाँ डार्लिंग। ये है टो द लाइन। टोइंग का पहला रूल, उसी कार को टो कीजिए जिसका टो होने का मन हो, इसका जैसे बिल्कुल नहीं। इसका तो आराम करने का मन है, आज नहीं जाऊंगी। आज तो मैं आराम करूंगी। और 1 करोड़ का प्रश्न है कि कौन सी गाड़ी टो होगी, व्हाइट, रेड या सिल्वर? और सही जवाब है रेड वाली, वो भी आधी। अब देखिए भैया, इसके लिए एक और टू वैन बुलानी पड़ेगी। किसे बुलाएं? नहीं भैया, इसे तो नहीं बुला सकते, ये भी नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, इसे यही रहने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक और बार घुमा देते हैं व्हील ऑफ वंडर, देखते हैं कहां रुकेगा इस बार। और ये रुका है यहां। ये है डिसाम। टोल पे करने के लिए डायना के पास नहीं थी चेंज। ओके फ्रीज डायना, अब बताइए डायना क्या करेगी? क्या वो किसी से उधार मांगेगी, बर्फ में गड़ा खजाना निकालेगी, या ऑनलाइन पेमेंट से चिल्लर पास करेगी? आइए देखते हैं। और सही जवाब है, डायना टोल के लिए चेंज ना देकर अपनी कार में हजारों का डेंट लगवाएगी। मुझे याद है जब पहली बार मैं मुंबई आया तो बरसात हो रही थी, झरझर, वो बिजलियां कड़क रही थी, सड़कों पे नदियां बह रही, कल। फिर अचानक से फास्ट स्पीड में गाड़ी आई और ये फचक। पहली बार मुंबई आना और वो पहली बरसात, सब कुछ उस पछाक में निकल गया। ऐसी फर्स्ट टाइम देखो क्या क्या होता है। ये है फर्स्ट टाइमर्स क्लब। फर्स्ट टाइम बाइक लेकर निकला टॉम, और कुछ देर बाद ही याद आ गई उसे मॉम। कार हो या बाइक, हमेशा सीख के चलाएं, मॉम को याद करके नहीं। ये माँ का आशीर्वाद लेकर आया, पर अकल घर छोड़कर आया। देखो भाई, पहली बार में लाइसेंस बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप
हवा में गाड़ी चला रहा है। एटीवी को फर्स्ट टाइम चलाने के लिए किसका आशीर्वाद चाहिए बताइए बताइए। जी नहीं, धरती माता का नहीं चाहिए मेरे गोलू, इंस्ट्रक्टर का चाहिए। आपको क्या लगता है क्या कर रहा था? कैमरा सेट। आजकल ऐसी सीक्रेट सीक्रेट जगह कैमरा लगे रहते हैं और ऐसी वियर्ड वियर्ड चीजें पकड़ते हैं, आप पूछो मत। देखो हमारा इनसिक्योरिटी कैम, मजा आ जाएगा। ये है इनसिक्योरिटी कैम। फ्रैंक आज जल्दी घर आ गया है क्योंकि उसे अपने बेटे टैंक को ड्राइविंग स्कूल ले जाना है। फ्रैंक, टैंक से ज्यादा जरूरत तुम्हें है ड्राइविंग क्लास की। फ्रैंक मेरे भाई, तुझसे ना हो पाएगा, छोड़ दे ड्राइविंग। ड्राइविंग क्लास के बाद फ्रैंक ने सोचा गाड़ी में पेट्रोल भरा दूं। फ्रैंक मेरे भाई, मैंने कहा ना ड्राइविंग छोड़ दे, दुनिया का भी भला हो जाएगा। अब देखिए जुगाड़ से फ्रैंक को वेले पार्किंग की जॉब मिल गई। आज पहला दिन है भाई का, लगा दी कार। अरे अरे नहीं, ठोक दी कार। आप भी जब वेले पार्किंग में चाबी दें तो पहले पूछ लें कहीं उसका नाम फ्रैंक तो नहीं है। जब दूर कहीं ज्वालामुखी फूटता तो समझो हमारे साबू को गुस्सा आता था। वैसे जब आसमान में एस्ट्रॉइड फूटते हैं तो हमारे क्रेजी साइंटिस्ट को वियर्ड वियर्ड चीजें बनाने का आइडिया आता है। कभी कभी चीजें इतनी वियर्ड हो जाती हैं कि वो खुद ही नहीं जान पाते कि क्या बनाया है। देखो पता लगेगा आपको। ये है वियर्ड व्हील्स। ये है फ्लोर साफ करने वाला रोबोट। आप घर से बाहर जाएं तो इसे काम पे लगाएं। कोने कोने की सफाई करता है, घर को चकाचक रखता है, लेकिन सीढ़ियों से ऐसे ही लुढ़कता है। इस रोबोट को खरीदना है तो अपने घर की सारी सीढ़ियां हटानी पड़ेंगी, वरना आपके घर ये टिक नहीं पाएगा। ऑर्डर करने के लिए अभी दूध उबाल कर पिए। एक साथ एक दर्जन ट्रक खरीदने के बाद घर कैसे ले जाएं? ये आइडिया हम आपको देते हैं। इट्स वेरी सिंपल, रस्सी से ट्रक को बांध लो और पेट्रोल डीजल का खर्चा कम कर लो। आई नो इट्स वियर्ड बट इट्स चीप माय फ्रेंड। और भाई जो पैसे बचेंगे उससे अपनी कॉलोनी में लड्डू बांट लेना, सब खुश हो जाएंगे। आलसियों का नया इन्वेंशन इलेक्ट्रो ब्लेड। रोलर ब्लेड से अगर आप बोर हो गए हैं, हर वक्त आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये इलेक्ट्रो ब्लेड्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ये इलेक्ट्रो ब्लेड्स कहीं भी चलते हैं, मिट्टी पर, घास पर, खुरदुरी रोड पर भी। इस पर लगे ये छोटे मोटर मेहनत करवाते हैं जीरो और आपको बनाते हैं हीरो। आप कहीं भी जाएं, आलसियों के सरताज बन जाएं। आप हैं आलस के पुजारी तो अब आपकी बारी। तुरंत ऑर्डर कीजिए हमारे इलेक्ट्रो ब्लेड्स। टांग टूटी तो आपकी जिम्मेदारी, पैसे लेने की अब हमारी बारी। एक बार फिर घूम गया है व्हील ऑफ वंडर। कार रुकेगा इस बार और ये रुका है यहाँ। ये है ओवर इजी। एरिक जंगल में अपने दोस्तों के साथ एटीवी चलाने आया है। वेरी नाइस। ओके प्लीज बताइए, लैंडिंग के बाद एरिक एटीवी को स्टॉप कैसे करेगा? हवा में ब्रेक लगा के, झाड़ियों में एटीवी घुसा के, या सीआईडी के दया को बुला के? आइए देखते हैं। और सही जवाब है, एरिक लोटपोट होकर अपनी एटीवी के लिए स्पीड ब्रेकर बन जाए। क्रेजी व्हील्स में ब्रेक के बाद पता करेंगे ये रैंप क्यों बनाया है और वर्स्ट ऑन व्हील्स किसकी झोली में आया है। भाई अंकल तो मुझे फ्रंट रनर लग रहे हैं। लेट्स सी क्रेजी व्हील्स। आखिरी बार घूम चुका है व्हील ऑफ वंडर। देखते हैं कौन सा है लास्ट स्टॉप। ये है पार्नन। वाव, क्या सेटअप है ब्रो, पर ये किसके लिए है? रैंप है तो जरूर किसी तूफानी धुरंधर का सेटअप होगा। ओके फ्रीज,
बताइए इस रैंप से कौन स्टंट दिखाएगा, एक क्रेजी सुपर हीरो, क्राइम मास्टर गोगो या फिर इंस्पेक्टर लोबो? आइए देखते हैं। और सही जवाब है, एक छोटा सा बच्चा साइकिल पर आएगा और रैंप से कूद के अपने दूध के दांत तुड़वाएगा। सर आप भी ना। अरे नहीं सर, नहीं सर, समझा करो सर, वो मैं नहीं कर सकता सर। अरे सर कहाँ फॉर्मूला वन, कहाँ हमारा क्रेजी व्हील्स। सर समझो सर, ऊपर से ऑर्डर। चलो लुइस हैमिल्टन के मैनेजर का फोन था कि मेरे को वर्स्ट व्हील ऑफ द डे चाहिए, वर्स्ट व्हील ऑफ द डे चाहिए मेरे को। ऐसे कैसे मिल जाएगा वर्स्ट व्हील ऑफ द डे, इतनी मेहनत करते हैं हमारे धुरंधर। उसे फॉर्मूला वन पे ध्यान देना चाहिए। कहाँ है यार हमारा वर्स्ट व्हील ऑफ द डे, वन इन मिलियन यार। देखते हैं वर्स्ट ऑन व्हील्स में कौन है नॉमिनी। क्या जीतेगा गर्लफ्रेंड को घुमाने वाला बॉयफ्रेंड या फिर अंकल लोगो का हवरबोर्ड या फिर लकी ड्रॉ में बाइक जीतने वाला जॉनी। और आज के विनर हैं, और कौन हो सकता भाई, ऐसी ऑटोमेटिक कार जिसके ब्रेक काम नहीं करते। में इंग्लैंड में सबसे पहले जीब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत हुई थी, और मुझे लगा कि जीब्रा अफ्रीका में होते हैं। चलो यार, जीब्रा क्रॉसिंग की शुरुआत हुई तो जीब्रा क्रॉसिंग आपकी सेफ्टी के लिए बनाई थी, ताकि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो उसमें चल पाए, पद यात्रियों के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ कुछ लोग अपना स्कूटर ले आ देते हैं वहाँ, कभी कोई गाड़ी में खड़ा है फोन पे बात करते हुए, कभी कुछ हो रहा है। एक बंदा मून वॉक कर रहा था मेरे सामने जीब्रा क्रॉसिंग में। तुम कौन क्रेजी हाँ भाई, आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, और आपसे ज्यादा भाई जो पैदल चल रहे हैं उनकी भी इंपॉर्टेंट है ना। आप तो गाड़ी में हो, चोट तो नहीं लगेगी, तो प्लीज थोड़ा समझो यार, मैं कितनी बार बोलूंगा आपको हा? और जो हमारे जाबाज काम करते हैं वो तुमसे ना हो पाएगा भैया, ये भी बहुत जरूरी चीज है। ठीक है तो भाई, अब टाइम हो गया जाने का, मस्का पाव खाने का। आप करो आराम, राघव जी अलकर राम राम, लव यू ऑल।